बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल लगातार अपनी शादी की खबरों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनों अपनी शादी से पहले की रस्मों को निभाने के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन बरबरा राजस्थान पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 9 दिसंबर को शादी करने वाले हैं, लेकिन शादी के बंधन में बनने से पहले ही दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। ऐसे में उनके फैंस काफी ज्यादा परेशान हैं। ये पूरा मामला हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दरअसल राजस्थान के एक वकील नेत्र बिंद सिंह जाड़ौन ने दोनों के खिलाफ 6 से 12 दिसंबर तक सड़क बंद करने के मामले को लेकर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज कराई है। डेक्कन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट के मुताबिक अधिवक्ता ने विक्की और कैटरीना के वेडिंग वेन्यू सिक्स सेंस फोर्ट बरबरा और जिला कलेक्टर के खिलाफ मुकदमा दायर करवाया है। ऐसे में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। शिकायत में कहा गया है कि होटल सिक्स सेंसेस मंदिर के रास्ते में है। होटल प्रबंधक ने जिला कलेक्टर की देखरेख में 6 से 12 दिसंबर तक मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वकील ने शिकायत पत्र में प्रार्थना की है कि मंदिर की ओर जाने का रास्ता जल्द क्लियर करवाया जाए। हालांकि अधिवक्ता ने रास्ता बंद करने पर आपत्ति जरूर जताई है, लेकिन ये स्पष्ट किया है कि उन्हें शादी से कोई एतराज नहीं है। उन्होंने आगे कहा, चौथ का बरवाड़ा सदियों पुराने चौथ माता मंदिर का घर है, जहां सैकड़ों तीर्थयात्री हर दिन पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। माना जा रहा है कि कपल दर्शन के लिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी जा सकता है, जो धरातल से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बता दें कि विक्की और कैटरीना कैफ अपने परिवार वालों और करीबी दोस्तों के साथ वेडिंग वेन्यू पर पहुंच गए हैं। बीते दिन दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे थे, जिसे उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।